वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जाने मानी अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में। हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा था। उनकी शादी घर वालों की मर्जी से प्रकाश कौर से हो चुकी थी। बॉलीवुड की ही मैन यानी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉनिक कपल में से एक माना जाता है। दोनों की प्रेम कहानी में कल कई दिलचस्प मोड़ आए, लेकिन इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 1980 मैं शादी की थी। हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी घर वालों की मर्जी से प्रकाश कौर से हो चुकी थी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र 4 बच्चों के पिता भी थे। धर्मेंद्र ने जब हेमा से दूसरी शादी की तो उनके परिवार में भूचाल आ गया। पहली पत्नी और बच्चों को इस बात का गहरा झटका लगा और उन्हें इस बात को कबूल करने में काफ़ी समय लग गया। वैसे शादी के बाद हेमा ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से मुलाकात नहीं की। शादी के 42 साल बीतने के बावजूद हेमा कभी प्रकाश कौर के सामने नहीं आई। इसकी वजह उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताई थी। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी किससे तो आपने सुने ही होंगे। 84 साल के हो चुके धर्मेंद्र हेमा मालिनी से उम्र में 13 साल बड़े हैं। इन दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही। शायद ही आपको पता होगा कि हिंदी सिनेमा के असली हीमैन धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी धर्म और नाम बदल कर की थी। धर्मेंद्र की शादी फिल्मों में आने से पहले प्रकाश कौर से हो चुकी थी, जिनसे एक्टर के 2 बच्चे हैं, बेटा सनी देओल और छोटा बेटा बॉबी देओल। सुपरस्टार धर्मेंद्र साल 1958 में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री किए थे। उनकी पहली फिल्म देर भी तेरा हम भी तेरे थी। वहीं हेमा मालिनी ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत सपनों का सौदागर से की थी, जो कि 1968 में आई थी। हेमा की इंडस्ट्री में कदम रखने वक्त धर्मपाजी का एक स्टार का तमगा हासिल कर चुकी थी। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल रहीं। दूसरी तरफ हेमा मालिनी सिनेमा में बिल्कुल नहीं थी। 1970 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आए थे। फिल्म शराफत और तुम हसीन मैं जवान दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद दोनों के करीब आने की खबरें भी आने लगी।